मुंबई में 100 के ऊपर ही। मुंबई में कितना है पेट्रोल का भाव? 106। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ गोल्डी और आप देख रहे हो द ट्रैवलिंग स्ट्रीट बुल। और आज का ये ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला, वहाँ पे धर्मशाला स्टेडियम चेक करने वाले और भी कुछ है क्या करने के लिए देखने वाले जाके, क्योंकि मैं जितना ऑनलाइन देखा मेरे को इतना कुछ नहीं मिला वहाँ पे देखने जैसा, तो अभी जाके देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, एक हॉस्पिटल है, इसका नाम है डेलेक हॉस्पिटल। तो मेरे को एक बात बताना था, क्यों मैं इधर एक्चुअली जाते रोड पे से जाते जाते रुक गया आपको ये सब बताने के लिए। तो अगर आपको कभी इधर आए हो धर्मकोट में और मैक्लोडगंज साइड में या धर्मशाला में और आपको कुछ भी होता है, डॉक्टर के पास जाना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, आप इधर जा सकते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो इसराइली थी, उसको बहुत उल्टी और फीवर हो गया था, तो हम लोग उसको इधर लेके आए थे। उसके यहाँ पर एक नाइट के लिए एडमिट भी किया था हम लोग ने, तो डॉक्टर्स भी अच्छे हैं और हॉस्पिटल भी अच्छा है। तो आप श्योरली ये याद रखना नाम डेलेक। सो गाइज, ये रोड आप देख रहे हो बहुत ही नैरो है, छोटा है, बट एकदम लाइक ऐसे अभी नहीं कि इसके ऊपर बहुत सारे खड्डे वड्डे, और यहाँ पे बाइक चलाने बहुत मज़ा भी आता है। मैं आपको थोड़े लंबे वीडियोस दिखा रहा हूँ ये जो बाइक के ऊपर के है, इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा एरिया के बारे में भी पता चले, नहीं तो व्लॉग देखने का क्या मतलब है ना। व्लॉग का मतलब ये है कि पूरे एरिया के बारे में थोड़ा पता चले, कैसे पहुँचते हैं, कैसे रोड्स हैं। यहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले, ये लोग इतना बिंदास चलाते हैं इस रोड पर। मैं सामने से अभी गाड़ी भी आएगा, इतना नैरो स्पेस है और लोग बराबर निकाल लेते हैं। ये तो भी बहुत जगह है अभी यहाँ पे, मैंने इससे भी खतरनाक हालत देखा है। गाइस, जब भी आप मैक्लोड से निकलते हो धर्मशाला के लिए, तो इधर आने के लिए आई थिंक दो रास्ते हैं, आई थिंक तीसरा भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बट दो रास्ते फॉर श्योर है। और एक दूसरा रास्ता है, वो जब भी आप डल लेक की तरफ जाते हो वहाँ से भी एक रास्ता आता है। तो या अगर कभी आपको एक रास्ता बंद दिखा तो आप दूसरे रास्ते से वापस पहुँच सकते हैं। अभी जो है स्पॉट आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली धर्मशाला सिटी है और यहाँ से सारे शॉप्स वगैरह स्टार्ट होते हैं और यही रास्ता सीधा जाता है, पेट्रोल पम्प आता है, बहुत कुछ है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए सब कुछ। आज हम लोग धर्मशाला तो पहुंच गए और पहले तो हम लोग को पेट्रोल भरना है, क्योंकि ऊपर पेट्रोल पंप है नहीं, मैक्लोड में नहीं है, धर्मकोट में नहीं है, आपको नीचे ही आना पड़ता है पेट्रोल भरने के लिए। दूसरा एक तरीका, उन लोगों के पास कोई कोई जगहों पे बॉटल में मिलता है, पर लोग 120 रुपये का एक लीटर बेचते हैं। अभी पेट्रोल पम्प पर जाके देखते हैं पेट्रोल का भाव कितना है यहाँ पर। हाँ तो चलो वही देखते हैं अभी क्या होता है, आप जरा देख लो धर्मशाला। यहाँ से आगे जाके राइट साइड में पेट्रोल पंप होगा।
और आगे। नीचे स्टेशनरी वाले वगैरह है ना पीछे की तरफ, उधर ही आता था मैं हर बार। ये मॉल, ये एक मॉल की दौड़ जैसा ही मॉल था, उसकी आगे की तरफ पेट्रोल पंप था। सब एकदम ये हो गए, अलग ही हो गए। और आगे? हाँ और आगे, हाँ वो देख ना उधर पेट्रोल पंप दिख रहा है ब्लू एंड येलो। लोकल बस, लोकल बस स्टैंड। ये भाई आराम से तो अपने वहां के टोक जगह था। ये है हमारा पेट्रोल पंप। ओके okay. पेट्रोल जो है स्पीड पेट्रोल है 98.72 और नॉर्मल जो पेट्रोल आता है वो है 96 रुपीस का। मुंबई से तो काफ़ी सस्ता है, मुंबई में 100 के ऊपर ही। मुंबई में कितना है पेट्रोल का भाव? 106। सर 96 का है, स्पीड 98 का है। दस रुपये का फ़र्क है ना। अगर यहाँ पे डीजल का रेट है 82, पेट्रोल 96। डीजल भी सस्ता है पेट्रोल से। ये रोड जाता है धर्मशाला स्टेडियम की तरफ। चलो मैं थोड़ा भटक गए थे पहले, समझ नहीं आ रहा था कि गूगल मैप कुछ गलत दिखा रहा था। तो ये पुलिस वाले से पूछा तो उसने बताया कि सीधा सीधा ही रास्ता है, वो पेट्रोल पंप से ही रास्ता नीचे जाता है स्ट्रेट, वहीं पे जाने का। अब ये जो सामने दिख रहा है वही धर्मशाला स्टेडियम है। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी अंदर भी जाके देखते हैं कैसा है। हाय, हाँ एंट्री का 2 बजे पीछे, 2 बजे के बाद। एक मिनट भाई। सो गाइज मैं ये स्टेडियम के गेट के बाहर हूँ। तो इधर जो एंट्री का टाइमिंग होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके ऊपर स्क्रीन पे, अभी नेक्स्ट एंट्री 2 बजे, क्योंकि उनका ब्रेक चल रहा है तो ब्रेक के बाद में एंट्री। 15 मिनट बाकी है, अभी 2 बजने को रुकेंगे हम लोग। सो ये टिकट काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट आता है 30 रुपीज़ का, उसे विजिट करने के लिए। और ये मेन गेट है। हाँ देखो, और स्टेडियम पूरा खुद के रखा है। वो
Now you can say hi. So guys, stadium actually है बहुत beautiful, but इतना beautiful लगेगा नहीं क्योंकि उसका काम चल रहा है. मुझे लगता है बारिश में ख़राब हो जाता है तो लोग वापस फिर से पूरा ग्रास ग्रीन करने वाले उसको. हाँ, पर यहाँ से व्यू तो बहुत मस्त है हर जगह का. पीछे पूरे माउंटेन्स है, बहुत ब्यूटीफुल है. अभी देखने मिल रही है जेसीबी की खुदाई और कुछ नहीं. What's up? Enjoy. यहाँ पर है मैक्लोडगंज, यहाँ पे धर्मकोट, ये त्रियुन. So guys, ये यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा टाइम बैठने जैसा भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो ग्रीनरी होता तो मज़ा आता. सो हम लोग अभी यहाँ से आगे एक मॉनेस्ट्री जा रहे हैं. नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, क्या नाम था तेरे को याद है? थोड़ा डिफिकल्ट नाम है उसका. हम लोग उस मॉनेस्ट्री पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से एक वैली वाला कोई व्यू वाला जगह, उन्होंने बाहर एक सोडा वाला था उससे पूछा तो उन्होंने बताया था. तो देखते हैं अभी जाके वहाँ पर क्या है. तो चलो मॉनेस्ट्री जाते पहले. सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए नोर्बुलिंका, और ये एक इंस्टीट्यूट है और इसे मॉनेस्ट्री भी बोलते हैं. सो अभी पहले जाके हमको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा. सो देखते हैं टिकट का कॉस्ट कितना है. सो गाइज, इंस्टीट्यूट के अंदर एंट्री होता है 100 रुपये, नहीं 50 रुपये, सॉरी 2 जन. इंस्टीट्यूट के अंदर आ गया मैं. मॉर्निंग रेस्टोरेंट है पीछे, बहुत ही एकदम शांत है काम. तो यहाँ पे एंट्री था एक्चुअली 50 रुपीज़, जो मैंने आपको दिखाया भी है. तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे भी ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट है लोग खाने के लिए. फिर इधर और एक रेस्टोरेंट है आगे. इधर भी लोग हैं, यहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं. आगे देखते क्या है. वेलकम टू नॉलिंग हाउस, रूम्स अवेलेबल. थिंक यहाँ पर है इस प्लेस रहने के लिए. सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये शुरू हुआ था 1995 में, और इनका मेन रीज़न ये है कि टिबेटियन आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये बनाया है. इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर है केल्सान येशी और उनकी वाइफ किम येशी. आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ टिबेटियन आर्ट सीखने और देखने नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर ख़रीद भी सकते हो. रिलीजियस आर्ट है, एक्सेसरीज मिलती है, होम फर्नीचर तक मिलता है, और बहुत सारे लैम्प्स और लाइट्स मिलते हैं.
तो ये सब आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप ये आर्किटेक्चर देखोगे एकदम ऐसा सर्कल में बनाया है, और आई थिंक ये बीच में एक टेम्पल है, वहाँ भी जाके देखते हैं कैसा है वो। ओके गाइस, जो ये सामने दिख रहा है वॉल पे, ये टिबेटियन स्टाइल पेंटिंग है। और गाइस, मैंने आज तक कभी भी इतनी ब्यूटीफुल बुद्धा की स्टैचू कहीं पे भी नहीं देखी है। सो इस टेंपल के अंदर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में हम लोग गए डॉल म्यूजियम। सो गाइज, ये एक डॉल्स का रूम है, और इसके अंदर जितने भी आप डॉल्स की ये सीनरी मतलब जो भी सीन देख रहे हो, वो कुछ ना कुछ एक रिचुअल है, या फिर कोई एक उनका ट्रेडिशनल डांस है। यहाँ पे जैसे एक रखा है, ये एक रिचुअल था, इज अ फोर्सफुल रिलीजियस रिचुअल। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है अलग। तो मार्केट सीन, तो एक मार्केट कैसा होता है उनका वो दिखाया है। यहाँ पे क्या है, रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स। सो ये बुद्धिज़्म थोड़ा अलग है, ये टिबेटियन बुद्धिज़्म है। हमारे इंडिया का इंडियन बुद्धिज़्म अलग होता है, आयरलैंड में अलग बुद्धिज़्म है। अभी यहाँ से निकल के चलो देखते हैं जहाँ पे ये लोग पेंटिंग सिखाते हैं। सो ये लोग कैसे पेंटिंग करते हैं वो देखते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, ये था नॉर्लिंग मॉनेस्ट्री, इसको नॉर्लिंग इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल था, जैसे आपने देखा वीडियो में, स्पेशली वो बुद्धा वाला जो एरिया जहाँ पे बुद्धा का मूर्ति है, वो यहाँ आपको बैठ के मेडिटेशन करना इतना अच्छा लगेगा। इट्स लाइक सो पीसफुल, बहुत शांति है उधर। सो आई थिंक ये वीडियो इधर ही एंड होता है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस घर पे टूवर्ड्स धर्मकोट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये भी मेरा नया चैनल है, आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत हेल्प होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।